मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील में आज 106 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने जोड़ों को आशीर्वाद दिया और भेंट स्वरूप सामान देकर उनके जीवन के नई पारी की शुरुआत कराई। नगर पालिका पुखराया और मलासा में हिंदू रीति रिवाज व इस्लाम धर्म के अनुसार जिंदगी की नई पारी की शुरुआत की गई। इस मौके पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने आज नव युगलों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जब से उत्तर प्रदेश में लागू हुई है और जब से गांव के तमाम वंचित लोगों के लिए उत्साह जागृत हुआ है, इसके लिए सरकार के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा सरकार खाने का और शादी का पूरा इंतजाम किया जाता है, जिसमें 35,000 लड़की के खाते में सीधे आते हैं, 10,000 का गिफ्ट दिया जाता है, पूरा खाने पीने का इंतजाम व कुल एक जोड़े पर 51,000 की आर्थिक मदद की जाती है। पुखराया नगर पालिका में 42 जोड़ों का कार्यक्रम हुआ है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जब से इस सरकार ने चलाया है, तो इससे गांव के तमाम वंचित गरीबों को एक उत्साह जागृत हुआ है कि उसके बेटी के हाथ पीले करने के लिए सरकार के कर्मचारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा खाने का, शादी का पूरा इंतजाम किया जाता है, जिसमें 35,000 रुपये लड़की के खाते में सीधे RTGS होता है, 10,000 रुपये का गिफ्ट दिया जाता है, पूरा खाने पीने का 51,000 रुपये की आर्थिक मदद हर व्यक्ति के, हर मतलब हर शादी करने वाले परिवार को मिलती है।